हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, रेलवे की तरफ से मॉक टेस्ट लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इस वीडियो में इस टेस्ट के बारे में बिल्कुल पूरी जानकारी दूंगा और सही जानकारी दूंगा, जिससे कि दोस्तों आप अपने एग्जाम टेस्ट में की थोड़ी सी भी गलती ना कर पाओ। किस तरीके से टेस्ट देना है, किस तरीके से नहीं, क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिए, जिससे कि आप पूरी जानकारी अच्छे से समझ सको। दोस्तों चलते हैं, क्या है टेस्ट, ये क्या लिंक एक्टिवेट हुआ है रेलवे की तरफ से, क्या नहीं। चलते हैं हम गूगल पे। दोस्तों यहाँ पे आ गए, RRB डाल दीजिए आप गूगल पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और यहाँ ये खोल लीजिए रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो यहाँ पे कोई से भी जोन की अप्लाई, कोई से भी जोन की साइट ओपन कर लीजिए, जैसे कि मैं चंडीगढ़ की करता हूँ, जैसे मैंने चंडीगढ़ की कर दी है। दोस्तों आगे चलने से पहले मैं आपको बात बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेलवे से रिलेटेड या कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपने चैनल पर न्यूज़ सबसे पहले लाता हूँ, जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके टाइम से पहले। चलते हैं दोस्तों, क्या हुआ रेलवे की तरफ से आज, क्या नहीं। दोस्तों आज की न्यूज़ है 12/9/2018 की न्यूज़ है। देखो दोस्तों, यहाँ पहला ही लिंक है 12/9/2018 का, इसमें लिखा हुआ है CN02/2018, क्लिक है फॉर मॉक प्रैक्टिस लेवल 1 पोस्ट। दोस्तों ये जो है, मतलब रेलवे ने जो टेस्ट के लिए जो लिंक एक्टिवेट किया है, मॉक टेस्ट के लिए लिंक एक्टिवेट किया है, जिससे कि हम थोड़ा सा ट्राई करके देख सकें कि हमें एग्ज़ाम किस तरीके का देना है, किस तरीके का नहीं, क्या क्या करना है। मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको बताऊँगा। दोस्तों जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, इस पर एक विंडो ऐसे खुल के आएगी, तो कुछ नहीं करना, साइन इन कर देना है। ये साइन इन बटन लिखा हुआ है, तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, साइन इन, यहाँ पे साइन इन का बटन दिख रहा है आपको, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, इस पर क्लिक कर दिया हमने, लिंक एक्टिवेट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने खुल भी गया है। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जब हमने फॉर्म भरते समय अपनी टेस्ट की लैंग्वेज चुनी थी, चाहे उसमें कुछ भी, मतलब गलती से कुछ भी लैंग्वेज चूज़ कर लियो हमने, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों टेस्ट एग्जाम, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे व्यू इन, मतलब कौन सी लैंग्वेज में आप टेस्ट देना चाहते हो, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी लैंग्वेज है, जो जो भी लैंग्वेज हमने एग्ज़ाम में भरी थी, तो उसमें से सारी लैंग्वेज हैं जो उनसे में आपको देना है एग्ज़ाम, उसे सेलेक्ट कर सकते हैं आप। जैसे हमें हिंदी में देना है, तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, तो हिंदी में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी हमारे सामने खुल के। दोस्तों इसमें सामान्य निर्देश लिखे हुए हैं, जो कि आप पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। थोड़ा सा टाइम मिलेगा, 5-10 मिनट का, तो उसमें आप सारे निर्देश पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बता दिया था कि 90 मिनट का टेस्ट होगा, प्रश्नों की संख्या 100 आएगी, ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये आप पढ़ लीजिए। यदि आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें और कुछ नहीं है। 15 भाषाओं में, मतलब प्रश्न पत्र आएगा, ये जो हमारा सब कुछ है, तो आप पढ़ सकते हैं। आप ऐसे करके स्क्रॉल करके आप पढ़ सकते हैं मेरे भाई। इसमें बहुत से ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन टेस्ट पहली बार दे रहे हैं, तो उन्हीं के लिए खासकर ये न्यूज़ है कि हम ऑनलाइन टेस्ट कैसे देते हैं, कैसे नहीं देते। तो दोस्तों आप अपनी लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सी लैंग्वेज में आप, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सर्कल लिखा हुआ है इसमें व्यू इन में, आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, कोई सी भी, उर्दू, पंजाबी, तमिल, मराठी, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें वही लैंग्वेज आ जाएगी जो आपने सेलेक्ट की गई है। हमने हिंदी किया, तो हिंदी में सब कुछ दिशा निर्देश सब कुछ हिंदी में आ गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों करते हैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक, जैसे हमने कर दिया है। दोस्तों एक बार और आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहे गए, जैसे कि हम, ये आप देख रहे हैं सेलेक्ट वाला, इसमें तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे कि हमने फिर से इसमें हिंदी सेलेक्ट कर दी है, और यहाँ पर ये टिक बॉक्स एक दिख रहा होगा आपको, ये टिक बॉक्स, इस पर आपको क्लिक करना है, टिक करना है, इस पर क्लिक करना है। इसमें लिखा हुआ है आई एम रेडी टू बी, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना आपको। तो दोस्तों आपके सामने टेस्ट ओपन हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा टेस्ट खुल गया है, देखो सेम टू सेम हमारा जो टेस्ट है ऐसे ही आएगा। सेम टू सेम हमारा टेस्ट ऐसा ही आएगा जैसे इसमें शो हो रहा है, जैसे कि थोड़ी सी प्रोसेसिंग चल रही है, बहुत बड़ा प्रोसेस है ये, थोड़ा सा यहाँ से फिर से हम जल्दी जल्दी करते हैं। हमारी लैंग्वेज
यहाँ पे कौन सी करना है हिंदी और नेक्स्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्ट करना है एक बार और हिंदी, यहाँ पे ऐसे करके इस पर क्लिक करके यहाँ पे आई एम रेडी टू इस पर क्लिक कर देना है, खुल रहा है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट अब पूरी जानकारी समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आप अपने टेस्ट में कोई भी गलती नहीं कर सकते। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप अपने टेस्ट में कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते। दोस्तों देखो, हमारे सामने हमारा टेस्ट ओपन हो चुका है, जो रेलवे की तरफ से हमारा टेस्ट इस तरीके का आएगा। क्वेश्चन ये नहीं आएंगे, बट टेस्ट इस तरीके का आएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे ऊपर से हो रहा है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं आपको बता दूँ हमारे क्वेश्चनों की संख्या है, ये जो है ये हमारे क्वेश्चनों की संख्या है, 1 2 3 4 5 ये हमारे क्वेश्चनों की संख्या है। और अब तो फिलहाल यहाँ पे भी आ रही हैं इसमें, और एक बार बता दूँ ये प्रश्नों की संख्या किस साइड भी आ सकती है, बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे पहले मैं बता दूँ कि आपको सेलेक्ट कैसे करना है और नेक्स्ट कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ये पर्सन है ऊपर और यहाँ नीचे क्वेश्चन है, तो जो सा भी आपको लग रहा है इसमें जो ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन बता देता हूँ, फरवरी 2018 से कोलकाता की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का मालिक कौन है, तो ये मालिक पूछ रहा है, सबको पता है, नॉर्मल सी बात है, तो ये शाहरुख खान है, इस पर क्लिक कर दिया है हमने। ठीक है दोस्तों, तो इस पर क्लिक करके हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लिक हो चुका है, तो उसे सेव एंड नेक्स्ट करना है, सबमिट नहीं करना है। अगर सबमिट कर दोगे तो आपका जो है टेस्ट ख़त्म हो जाएगा यहीं पर एक क्वेश्चन करने के बाद। दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान करने की और है, यहाँ पे जो हमारा जो ये लेफ्ट टाइम जो बचा है इस पर भी ध्यान रखना है, कि मतलब हमारा इस पर टाइम चल रहा है, इसमें टाइम सो होता रहेगा कंटिन्यू। तो हमने ये क्वेश्चन किया, इस पर सेव एंड नेक्स्ट, देखो आपको बता देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है सेव आ नहीं रहा है, एक सेकंड, ये सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है हमको, ये आगे हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हम आपको जिस जो भी हम फिल करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट भी जा सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट कर दिया है हमने, यहाँ से हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ गए, तो जो उनसे भी हम क्लिक करेंगे मतलब जिस क्वेश्चन हमारा होता रहेगा वो ग्रीन कलर का होता रहेगा, जैसे हमने ये करा और नेक्स्ट कर दिया है। तो देखो दोस्तों, ये जो हमारा ग्रीन कलर का होगा, जो उनसे पर हम क्लिक नहीं करेंगे वो रेड कलर का शो होता रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों सारे क्वेश्चन को ग्रीन करिए, उससे कि आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ आपको प्रोवाइड होते रहें। और ये वीडियो जो देख रही हैं आप, देख रहे हैं आप, इसके नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, और साथ में उसके बराबर में एक बेल आइकन होगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन जाता रहे। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।